गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस क्लास में एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम से जुड़े कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। पिछली कक्षा में हमने एडवर्ब क्लॉज से जुड़े विभिन्न तमाम तरह के एडवर्ब क्लॉज से जुड़े एग्जांपल्स देखे थे। अब विशेषकर एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, आज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में कितने तरह के कंजंक्शंस इस्तेमाल किए जाते उनके उदाहरण देखेंगे और उपयोग को समझेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एडवर्ब क्लॉज के तमाम कंजंक्शंस और विभिन्न तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उन एग्जामिनेशंस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके क्या मीनिंग होते हैं और हमारी लाइफ में उनको यूज़ करते समय हमें किन बातों का ध्यान रहे। जब हम इंडिपेंडेंट राइटिंग करते हैं, स्वतंत्र लेखन करते हैं, तो उन विचारों को व्यक्त करने में एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कि ये इतने सारे कंजंक्शन जो अभी आप बोर्ड पर देख रहे हैं इनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के बारे में जान लेते हैं। एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट विच मोडिफाइज अ वर्ब और एडवर्ब एन एडवर्ब इन द मेन क्लॉज। Verb or an adverb in the main clause by telling the time of action. एक adverb clause क्या है, वो शब्दों का समूह है। जैसे सारे clause में subject predicate होता है, इसका भी यानी subject और predicate के साथ उन शब्दों का समूह है जो main clause में आए किसी verb या adverb को modify करते हैं, उसके एक्शन का टाइम, क्रिया का समय बदला के कि वो क्रिया कब हुई, किस तरह हुई और कैसे हुई, वो उसको मॉडिफाई करके हमें ये टाइम ऑफ एक्शन बदला के हमें क्या है, ये कंजंक्शन जो है वो मतलब क्रिया को मॉडिफाई करते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में कौन कौन से वो कंजंक्शंस हैं, और हमारे ग्रामर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा भी है एग्जामिनेशंस में। एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को लेके सेंटेंस को ज्वाइन करना, कन्वर्ट करना और हमारे लाइफ में यूज़ करना, उससे रिलेटेड बातें हैं। तो आइए हम देखते हैं ये कौन कौन से कंजंक्शंस हैं या कनेक्टर्स हैं। जो हमने कनेक्टर शब्द का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, कनेक्टर्स हैं जिनको एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में यूज़ किया जाता है। तो हम ये देखते हैं वैन, वैन समय से जुड़ा हुआ, वैन एवर समय से जुड़ा हुआ है। ये कंजंक्शंस करें जो हैं इनमें इस्तेमाल इस क्लॉज में होता है। एज टाइम से भी जुड़ा हुआ है, रीजन से भी जुड़ा हुआ है और कंपैरिजन से भी जुड़ा हुआ, और मैनर ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन, ये मतलब क्रिया किस ढंग से हुई उसको भी दर्शाता है। यानी ये चार तरह के एडवर्ब क्लॉज में इस एज का उपयोग हो सकता है। एज सून एज मतलब ज्यों ही त्यों ही, जैसे ही वैसे ही, मतलब एक कोई एक्शन हुआ उसके तुरंत बाद दूसरा एक्शन हुआ, हाँ तुरंत, मतलब लगातार कोई टाइम इंटरवल नहीं होता। ऐसी कंडीशन में हम एज सून एज का इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरे इसके बाद नो सूनर देन, एज सून एज को निकाल के कभी कभी कुछ एम्फेसाइज करते हुए एम्फेटिक फॉर्म में जब बोलते हैं तब ये कुछ टाइम ऑफ एक्शन को एम्फेसाइज करते हुए, कुछ एक्शन पे उस टाइम को एम्फेसाइज करते हुए जब बोला जाता है तब नो सूनर देन, हार्डली और स्कैर्सली वैन, इनका हार्डली वैन या स्कैर्सली वैन ये साथ में चलते हैं। नो सूनर के साथ देन होता है और हार्डली और स्कैर्सली के साथ वैन होता है। एक और होता है जो यहाँ लिखा हुआ है लेटर देन, LATER, लेटर देन, तो वो लेटर देन जो है वो हम इसमें ले ही लिख पाए, उसका भी उदाहरण देखेंगे। एज लॉन्ग एज, जब तक तब तक, यानी कि एक्शन कब तक या कब तक
कोई चीज़ की या एक्शन के बारे में चिंतित करने की, या मतलब एक्शन कब तक चलेगा उससे संबंधित है। वाइल, वाइल मतलब जब कोई एक्शन है, किस एक्शन के दौरान कौन सा एक्शन चल रहा था, उस दौरान क्या हुआ, ज़्यादातर उस समय हम वाइल का यूज़ करते हैं। वाइल का यूज़ कंपैरिजन में भी किया जाता है। एज लॉन्ग एज का यूज़ अगर कंडीशन होता है तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में भी यूज़ इसका हो सकता है। अब आफ्टर, ये तो मतलब कोई एक्शन हुआ उसके बाद, या मतलब कोई एक्शन किसी एक्शन के होने के बाद तब आफ्टर, और कोई एक्शन किसी एक्शन के होने के पहले तो बिफोर, और सिंस, सिंस भी क्या है, जब आप देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या परफेक्ट टेंसेस में सिंस का यूज़ होता है, वही काम होता है वहाँ, लेकिन वो एक वर्ड के रूप में होता है और टाइम जो नाउन होता है उसको मॉडिफाई, लेकिन यहाँ एक्शन के रूप में ये कंजंक्शन के रूप में होता है, और एक एक्शन का कब से चाहिए दो से वो रिलेशन बैठाता है। तो ये मतलब एक समय अवधि पीरियड को दर्शाने के लिए किया जाता है। और टिल, टिल मतलब कोई एक्शन है तो कब तक, कौन से एक्शन के कंप्लीट होने तक चलेगा, ये उसको दिखाने। और अनटिल मतलब कब तक नहीं करना है ये चीज़ को, तो ये जब तक नहीं और ये तक, इस तरह इन सेंस में इनका यूज़ होता है। चलिए अब हम एक एक कंजंक्शन को उदाहरण से देखते हैं। जैसे फर्स्ट व्हेन, He comes home when the sun sets. He comes home when the sun sets. वो घर आता है, आता है एक्शन कब आता है, when the sun sets। यहाँ आप देख सकते हैं when कंजंक्शन हो गया, एक्शन का टाइम बता रहा है, और ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है क्योंकि टाइम बता रहा है। अब एडवर्ब क्लॉज है या नहीं इसको हम पुष्टि कर लेते हैं। तो the sun ये आपका सब्जेक्ट है और sets प्रेडिकेट है, तो इस तरह ये क्या है, हमारा क्लॉज है क्योंकि इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, और इस क्लॉज ने एक्शन को मॉडिफाई किया है तो एडवर्ब क्लॉज है, और चूंकि उसने उसका टाइम बताया है तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में आएगा। अगला हम देखते हैं यू मे कम हियर, यू मे कम हियर वेन एवर whenever you find time, तो यहां देखते हैं कि whenever you find time ये एडवर्ब क्लॉज है। अब ये एडवर्ब क्लॉज है कैसे है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, और वेन एवर यू फाइंड टाइम ये आने का समय बतला रहा है, तो इस तरह से ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहलाएगा। अब हम ये देखते हैं कि एज द टीचर, एज द टीचर कम्स, एज द टीचर कम्स इन द क्लासरूम, ऑल स्टूडेंट्स स्टैंड अप।
द टीचर कम्स इन द क्लासरूम, जैसे ही शिक्षक क्लास रूम में आते हैं सारे विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ हमारा जो एडवर्ब क्लॉज है वो आगे है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ये ध्यान रखें कि ये आगे पीछे हो सकते हैं, मेन क्लॉज और अपना एडवर्ब सबॉर्डिनेट क्लॉज ये आगे पीछे हो सकते हैं। तो ऑल स्टूडेंट्स स्टैंड अप, सारे विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं। कब खड़े हो जाते हैं? एज द टीचर कम्स इन द क्लासरूम, जैसे ही टीचर क्लासरूम में आता है सारे विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ उनके खड़े होने का समय बतलाया जा रहा है और इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी है, तो वो तमाम शर्तें जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम की है वो पूरी कर रहा है। जैसे कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट है तो क्लॉज है, ये कंजंक्शन ये एक्शन को टाइम बतला के कर रहा है तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहलाएगा, क्योंकि एक्शन को मॉडिफाई किया है तो एडवर्ब है। अब इसको हम ऐसे, कुछ लोग ऐसे भी कहे, मूड पे डिपेंड करता है क्या बतलाना चाह रहे कैसे। अब अगर हम ये कह रहे हैं जैसे ही आदत, एक हैबिट को बतलाना चाह रहे हैं, एज सून एज द टीचर एंटर्स या कम्स इन द क्लासरूम, कम्स इन द क्लासरूम, ऑल स्टूडेंट्स स्टैंड अप, ऑल स्टूडेंट्स स्टैंड अप, अब ज्यों ही क्लास टीचर कमरे में आते हैं सारे विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं। वही चीज़ है, एज सून एज, ज्यों ही त्यों ही, वैसे ही जैसे ही वो आते हैं वैसे ही सारे विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ दोनों एक्शन एक के बाद एक है, इसमें मतलब कोई मतलब क्विक प्रॉम्प्ट एक्शन, एक एक्शन के तुरंत बाद दूसरा एक्शन होना, उस पर हमने एज सून एज का प्रयोग किया जाता है। अब हम यहाँ अगला उदाहरण देखते हैं कि कुछ लोग इसको इस तरह से भी बोलते हैं एम्फेसाइज करके, नो सूनर, अब नो सूनर कम्स, कम्स की जगह यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल है इसलिए नो सूनर एम्फेसाइज फॉर्म होता है, एम्फेसाइज करके बोलते हैं इसको। तो नो सूनर डज द टीचर, नो सूनर डज द टीचर कम इन द क्लासरूम, और यहाँ दोनों सेंटेंस के बीच देन, देन ऑल स्टूडेंट्स स्टैंड अप, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये नो सूनर देन का जब उपयोग कर रहे हैं तो हमने यहाँ देखा मीनिंग तो लगभग लगभग वही है कि अब यहाँ पे कहने का मतलब टीचर कक्षा में आते नहीं कि सभी विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं, थोड़ा एम्फेसाइज करके हमने बोला, यानी जोर डाल के बोला उसको, मतलब एक्शन पे थोड़ा वजन दे के बोला हमने वही बात को, तो ये एम्फेसाइज हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा एम्फेसाइज करते हैं तो जो क्या रहती है हमारी जो मेन हेल्पिंग वर्ब रहती है वो इस एक्शन वर्ब के पहले आ जाती है, तो वहाँ एक्शन वर्ब जो है हमारा कम, और यहाँ इसलिए सब्जेक्ट के पहले हमने देखा है कि ये डज यहाँ पे लिए, नो सूनर डज द टीचर
कम, डज कम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, डज द टीचर, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होगा, नो सूनर डज द टीचर कम, तो यहाँ डज शब्द जो है इसलिए आया क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, कम्स है, इसलिए उसके अकॉर्डिंगली डज आएगा और दोनों सेंटेंस के बीच में देन लगेगा। बाकी वही सारे क्लॉज का जो अदर, जैसे ऊपर के उदाहरण में हम देख सकते हैं वो सारी बातें यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम की सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। तो अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह आगे और कौन कौन से, ये हो गया अब हार्डली और स्केर्सली वेयर। तो हार्डली hardly had the train hardly had the train come when all passengers passengers rushed rushed to get into the train to get into the train इसमें hardly जब लगाते हैं कि first action जब वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता है या कंप्लीट हो जाने के बाद अगला एक्शन तुरंत होता है, तो जैसे इसलिए इसमें परफेक्ट टेंस का यहाँ इस्तेमाल किया गया है, हैड कम, तो हार्डली हैड द ट्रेन कम और हार्डली के साथ वैन लगाया जाता है, नो सूनर के साथ देन लगाया जाता है। Hardly had the train come when all passengers rushed to get into the train. कि ट्रेन आई नहीं, कि सारे पैसेंजर्स आई नहीं, कि वो खड़ी हुई, बस सारे पैसेंजर्स उसमें चढ़ने को दौड़ पड़े, तभी सारे ज्यों ही आई और तभी सारे पैसेंजर्स क्या है उसमें चढ़ने के लिए दौड़ पड़े। अब कुछ जगह ऐसा भी है, द ट्रेन हैड hardly come, ऐसा भी लिखा जाता है, वो भी the train had hardly come, तो वो भी आपका hard सही है, उसको भी हम adverb clause of time मिलेंगे। ये बोलने का तरीका, ये ज़्यादा more emphatic form है और वो emphatic ज़्यादा emphasize उसमें नहीं होता, द ट्रेन हैड हार्डली कम, वो एम्फेसाइज फॉर्म नहीं है, लेकिन हार्डली हैड द ट्रेन कम, हम कुछ अपनी बात को एम्फेसाइज करके जोर दे के बोलना चाहते हैं तब हम ऐसा लिखते हैं। इसी तरह हार्डली की जगह आप इसमें स्केर्सली का भी प्रयोग कर सकते थे, है ना, ये दोनों ही आपके यहाँ चल जाएंगे, हार्डली की जगह स्केर्सली का भी प्रयोग किया जा सकता। अब आते हैं हम एज लॉन्ग एज, तो एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव यू नीड नॉट टू वरी, यू नीड नॉट टू वरी, As long as I am alive, you need not to worry. जब तक मैं जीवित हूँ तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर मतलब कब तक चिंता करने के लिए, जब तक मैं जीवित हूँ, दोनों जगह क्या है, ये जो एक्शन को मॉडिफाई कर रहे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी as long as मतलब जब तक तब तक, इसके अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके जगह दूसरा
हम अगला उदाहरण लेते हैं आगे, व्हाइल. सो शी कट हर फिंगर्स, शी कट हर फिंगर व्हाइल कटिंग द वेजिटेबल्स. व्हाइल कटिंग, या ऐसा भी लिख सकते हैं व्हाइल शी वॉज कटिंग, व्हाइल शी वॉज कटिंग the vegetables. While she was cutting the vegetables, क्योंकि हम subject predicate साथ में clause बनाना है तो subject predicate के साथ में होना ज़रूरी है. तो while she was cutting the vegetables, मतलब while का उपयोग यहाँ किया गया है time के रूप में. ये time के रूप में हमने while का प्रयोग किया है, किस लिए किया है time के रूप में, ये दर्शाने के लिए किस दौरान कोई घटना हुई. तो ये के दौरान, इसके अर्थ में भी इसका इस्तेमाल, जबकि वाइल का इस्तेमाल हम क्या है, दो चीज़ के कंपैरिजन में भी कर सकते हैं, हम कॉन्ट्रास्ट करने के लिए भी उसका उपयोग कर सकते हैं. तो अब यहाँ हमने देखा कि क्या है, शी कट हर फिंगर्स वाइल शी वॉज कटिंग द वेजिटेबल्स. तो उसने जब क्या है वेजिटेबल्स काटने के दौरान अपनी उंगलियां काट ली. यहाँ भी हम देखते हैं कि कट जो है एक्शन है जिसको इस क्लॉज ने मॉडिफाई किया. तो अभी यहाँ तक कि ये जो उदाहरण में हम जो एडवर्ब क्लॉज थे उनको फिर से अंडरलाइन कर दे रहे हैं, जो पूर्व में तो किए परंतु ये जो बात के क्लॉज हैं उसमें नहीं. ये आप देख सकते हैं कि किस तरह ये मेन क्लॉज के जो एक्शंस को मॉडिफाई कर रहे हैं. अब यहाँ हम कुछ आगे के और उदाहरणों को लेते हैं. अब हमारे यहाँ हमने व्हाइल तक देख लिया है, अब हम आफ्टर, बिफोर, सिंस, टिल और अनटिल, उनके और उदाहरण देखकर आज इस एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम की इस क्लास को यहाँ ख़त्म करेंगे. अब आप देखिए इसमें आफ्टर और बिफोर में देखिए, ही रीच्ड द स्कूल आफ्टर द बेल हैड रंग. अब आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ आफ्टर जो है, आफ्टर बेल, घंटी बजने के बाद, यहाँ परफेक्ट टेंस का प्रयोग हो गया. परफेक्ट टेंस कंप्लीट एक्शन दिखाता है, मतलब ये घंटी बज जाने के बाद ये एक्शन कंप्लीट था, यानी कि यहाँ जब आफ्टर का यूज़ करेंगे तो यहाँ उसके साथ परफेक्ट टेंस आएगा. और ये क्या है, पहला एक्शन जो टाइम को डिनोट कर रहा है, और जो एक्शन टाइम को डिनोट करते हैं, टाइम ऑफ एक्शन को डिनोट करते हैं, यानी पॉइंट ऑफ टाइम बतलाते हैं, जहाँ मतलब मेन टाइम ऑफ एक्शन को बतलाते हैं, उनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं. तो यहाँ पे अगला हम देखते हैं, अगर इसकी जगह ऐसा होता कि ये लिखना था कि वो पहले पहुँच गया था, घंटी बाद में बजी, तो अपन ऐसा भी हो सकता है, ही हैड रीच्ड the school
बिफोर द बेल रैंग। अब यहाँ आपने देखा क्या परिवर्तन हो गया कि यहाँ वो पहले पहुँच गया था, एक्शन ये वाला कंप्लीट, इसलिए परफेक्ट टेंस में इसको लिया गया है, और यहाँ पे दूसरा एक्शन जो है कि वो घंटी बजने के पहले पहुँच गया था। तो बिफोर के साथ हमने देखा कि सिंपल पास्ट टेंस लगाया गया है, और आफ्टर वाले क्लॉज में हमने पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया है। यानी कि परफेक्ट टेंस अगर एक्शन आफ्टर लगा रहे हैं तो वो क्या है, उसके बाद है, उस एक्शन के कंप्लीट होने के बाद, या उस एक्शन के कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ उसको दर्शाता है। इसलिए ऐसी कंडीशन आफ्टर के साथ ज़्यादातर हम देखते हैं कि परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, और बिफोर जब लगाते तो उसके साथ ज़्यादातर सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। अब इसके बाद हम अगला उदाहरण देखते हैं कि बिफोर हो गया सिंस दे डिड नॉट सॉरी दे हैव नॉट बीन सीन सिंस दे लेफ्ट द सिटी लेफ्ट द सिटी। जब से वो शहर छोड़ के गए हैं तब से उन्हें देखा नहीं गया है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंस जो लगा है वो सिंपल पास्ट टेंस में है, और यहाँ पर ज़्यादातर हम इस सेंस का अगर देखें तो अगर टेंस में देखते थे तो हम परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ जब सेंस का यूज़ हो रहा है सिंपल पास्ट में है, और यहाँ पर जो है वो सिंपल पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तब से उन्हें देखा नहीं गया है। यानी कि ये सिंपल फॉर्म में है और वो परफेक्ट फॉर्म में है। अब इसके बाद और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ और कि वो कब से नहीं देखे गए, वो देखे नहीं गए जो एक्शन है उसको ये क्लॉज मॉडिफाई कर रहा है टाइम बदला के। द काउंसिल ऑफ ministers the council of ministers functions till the president pleases। तो प्रेसिडेंट की प्रसन्नता था, मतलब स्वेच्छा प्रसन्नता तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कार्य करती है। अब इसमें हम देख रहे हैं कब तक कार्य करती है, जब तक वो फंक्शंस ये इसको क्रिया है जिसको मॉडिफाई कर रहे हैं, जब तक प्रेसिडेंट क्या है प्लीज मतलब प्रसन्न होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा बचा हुआ अंटिल ही
ही वेटेड देयर until his brother came. He waited there until his brother came. जब तक उसका भाई नहीं आ गया तब तक वो वहाँ इंतजार करता रहा. तो यहाँ wait को modify किया है इस clause ने. तो और तो वर्ब है वेट, तो उसको मॉडिफाई किया है तो ये एडवर्ब क्लॉज, और क्योंकि समय बतला रहे कब तक वेट किया है तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहलाएगा. तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में ये विभिन्न कंजंक्शंस का यूज़ देखा. अगली क्लास में हम इसको किस तरह हम नो सूनर देन को एज सून एज को नो सूनर देन में बदला जाता है, या डबल सेंटेंस को कैसे कंबाइंड करेंगे, क्या सेंस देखते हैं और कब इन कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं, तो दो सेंटेंस में जब कंबाइंड करेंगे तो वो स्थिति को देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हम भी अपने ओन लॉन्ग सेंटेंसेस इन कंजंक्शंस का यूज़ करके तैयार कर सकें. तो आज के लिए इतना ही. प्यारे विद्यार्थियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद. हैव अ नाइस डे. नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं. थैंक यू.